प्रदेश में रूसा के तहत वार्षिक प्रणाली अपनाने के विरोध में वीरवार को एनएसयूआई ने राज्य सचिवालय के बाहर जोरदार हल्ला बोला और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के बीच हल्की झड़प भी हुई। एनएसयूआई ने राज्य सरकार पर विद्यार्थियों के साथ हो रहे खिलवाड़ को बंद करने की मांग उठाई। शिमला स्थित प्रदेश सचिवालय कार्यालय के बाहर वीरवार को जमकर हंगामा हुआ और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं और पुलिस कर्मियों के बीच धक्का मुक्की भी देखने को मिली, जिसमें एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के कपड़े तक फट गए। दरअसल रूसा के तहत प्रदेश में शुरू की गई नई वार्षिक प्रणाली लागू होने के बाद आए खराब परिणाम से नाराज एनएसयूआई कार्यकर्ता ज्ञापन देने और सचिवालय का घेराव करने छोटा शिमला पहुंचे, जहां पुलिस ने उन्हें सचिवालय जाने से रोक दिया। नाराज एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने पहले तो सड़क पर लेटकर चक्का जाम किया और बाद में बैरिक लांघकर सचिवालय की तरफ जाने का प्रयास किया। इसी दौरान पुलिस कर्मियों और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के बीच हल्की धक्का मुक्की भी हुई, जिसमें छात्र नेता व एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव सतीश शर्मा की कमीज तार तार हो गई। सतीश शर्मा ने राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन पर छात्रों के खिलाफ दमनकारी नीति अपनाने का आरोप लगाते हुए जवाब देने की चेतावनी दी। पुलिस प्रशासन के द्वारा जबरन हमारे लोगों को रोका गया और जो हमारी यहाँ बहनें आई है, पुरुष अधिकारियों और जितने भी पुलिस के अधिकारी हैं, उन लोगों ने उनको लड़कियों तक को मारा। ना उन्होंने देखा कि ये लड़कियां हैं। ऐसे हालात हैं इस सरकार के, ऐसे हालात हैं इस पुलिस प्रशासन के। इसका जवाब उन्हें आज हम देखे रहेंगे और ये जो दमनकारी नीतियां हैं उसका जवाब एनएसयूआई हर मोड़ पे देगी, चाहे वो प्रदेश का मुख्यमंत्री हो चाहे शिक्षा मंत्री हो, उनका जवाब उन्हें एनएसयूआई आज देखे रहेगी। ये पुलिस प्रशासन की सारी करामात है। मैं आराम से जा रहा था, हमारे सभी साथी आगे जा रहे थे, हमने कहा हम प्यार से जाएंगे, हमने सिर्फ अपना मांगे रखनी, आगे हमने एक ज्ञापन देना है, हमें ज्ञापन आगे देने दिया जाए। लेकिन पुलिस ने हमारे पे बल का प्रयोग किया, हमारी बहनों पे बल का प्रयोग किया पुरुषों के द्वारा। वहीं एनएसयूआई के प्रदेश विश्वविद्यालय परिसर अध्यक्ष विनू मेहता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने बिना सोचे समझे और बिना तैयारियों के वार्षिक परीक्षा प्रणाली शुरू की, जिसका खामियाजा लाखों विद्यार्थियों को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सेकेंड ईयर में पहुंच चुके 22,000 विद्यार्थियों को अब वापिस फर्स्ट ईयर में आना पड़ रहा है, जिससे उनकी शिक्षा बाधित होगी। उन्होंने सरकार से ऐसे विद्यार्थियों को अपने सेकेंड ईयर की पढ़ाई पूरी करने और फर्स्ट ईयर की अनुपूरक परीक्षा देने की अनुमति देने की मांग की। उन्होंने सरकार पर विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ के आरोप जड़े और कहा कि एनएसयूआई छात्र संगठन सरकार की इस मनमानी को बर्दाश्त नहीं करेगा। दिनों में जिस तरह से रूसा के रिजल्ट, वार्षिक प्रणाली के रिजल्ट निकाले गए, वो रिजल्ट जिसमें कि 50% छात्र फेल हो चुके हैं, जिनमें से प्लस टू में 98% 94% लेने वाला छात्र पाँच पाँच सब्जियों में फेल हो रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि किस तरह का बवंडर हिमाचल प्रदेश के छात्रों के ऊपर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश इस सरकार द्वारा की जा रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब सेमेस्टर प्रणाली अपनी स्ट्रीमलाइन में आ चुकी थी, तो वार्षिक प्रणाली थोपने की क्या जरूरत आज पड़ी? क्या अपने राजनीतिक फायदों को लेकर, राजनीतिक फायदे को लेकर इस निकम्मी सरकार द्वारा, इस निकम्मे शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा वार्षिक प्रणाली बिना सोचे समझे बच्चों के ऊपर थोप दी गई? इसका जो खामियाजा है वो आज लाखों छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अभी तक वार्षिक प्रणाली का कोई भी सिलेबस तैयार नहीं हुआ है। इनका रूसा वाला सिलेबस से पढ़ा रहे हैं, लेकिन वार्षिक प्रणाली में जो 22,000 छात्र अभी सेकंड ईयर से फर्स्ट ईयर में आए हैं, जिनकी सेकंड ईयर भी कंप्लीट होने वाली थी, उन छात्रों के भविष्य के साथ सरासर खिलवाड़ है। एनएसयूआई चाहती है कि मैं ये कहना चाहती हूँ प्रदेश सरकार से कि आज जो उन्होंने स्टूडेंट के साथ, छात्रों के साथ जो व्यवहार किया है, गलत व्यवहार किया, और खासकर हमारी महिला साथियों के साथ जो व्यवहार किया है, बहुत निंदनीय है, अशोभनीय है। विदाउट लेडी पुलिस नाखून मार रहे हैं, ये सब ये कौन सी है? इनकी महिला सशक्तिकरण, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, कहाँ है इनका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? ये हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं, डंडे मार रहे हैं, और वो एक जेंट्स लोग विदाउट लेडी पुलिस ही हमारे ऊपर अटैक कैसे कर सकते हैं? क्या छात्रों को अपनी जो है बात रखने का कोई अधिकार नहीं है? छात्रों का भविष्य खतरे में है, वो दो दो साल से लटके हुए हैं, ये कौन सा रवैया है प्रदेश सरकार की? मैं इसके लिए खिलाफ विरोध करती हूँ। लगभग 22,000 छात्रों को इन्होंने फेल किया है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। ये जो है हमारा एक सवाल है इस प्रदेश की सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय शिक्षा मंत्री जी से, कि हमें केवल हमारे सवालों का जवाब दीजिए, हम शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ से चले जाएंगे। और मैं ये बात आपको कहना चाहूँगा कि हमने पीसफुली जो है इस
मेमोरेंडम को देने का जो है सोचा था। हम आए, हमने पीसफुली अपनी मांगों को जो है माननीय मुख्यमंत्री तक, माननीय शिक्षा मंत्री तक रखना था, लेकिन प्रदेश की जो पुलिस प्रशासन है, पुलिस प्रशासन ने जो है हमारी लड़कियों के साथ बदतमीजी की। लगभग 4-5 लड़कियां हमारी जो है बेहोश हो चुकी है। इसका जिम्मेवार कौन है? एक आम छात्र अपने हक के लिए सड़क पे उतरा है। अपने हक को नजरअंदाज करते हुए हम कैसे जो है यहाँ से वापिस चले जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।